मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष परम आदरणीय विनीत शर्मा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब, जिनसे हमें मंत्र सीखना है कि जो भी चुनाव लड़े तो जीता कैसे जाता है, आदरणीय महेंद्र सिंह साहब जो इंचार्ज है, मेरे छोटे भाई संजय पाठक जी, राजू खिलू जी, और मेरे स्वर में स्वर मिलाते हुए, मेरे कदम के साथ कदम मिलाते हुए जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण साथी आज यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो सभी मेरे लिए बहुत मूल्यवान साथियों, सम्मानित पत्रकार साथियों, देवी और सज्जन, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का बड़ा पावन दिन है और मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। परतंत्रता की बेड़ियों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत तो आजाद भारत में कांग्रेस की ये परंपरा रही कि हम एक कास्टलेस, एक सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, ना जात पर ना पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है, हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस में, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहां हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने इस बात के पक्षधर रहे हैं, और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से, मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्यकाल में बोला जा सकता था? फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या? और मैं साक्षी इसलिए रहा हूं कि मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य हूं।
मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भेजा कि शंकराचार्य जी से पूछ के आओ क्या करना है। मैं आया, पत्र लाया हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री का। तो उन्होंने कहा अयोध्या में शिलान्यास हो और तत्पश्चात मंदिर बने, एक नोट भेजा। सितंबर 1989, 12 सितंबर को मैंने वो नोट दिया। राजीव जी ने जवाब दिया जिसकी प्रति मैं दिखाऊंगा, 21 सितंबर 1989 कि मैंने वो पत्र पढ़ा और तदनुसार काम होगा। फिर उन्होंने कहा कि बोलो उनको देवरा बाबा के पास जाओ। देवरा बाबा के पास तत्कालीन गृह मंत्री के साथ वो गए, उन्होंने भी निर्देश दिए। तब शीर्षचंद दीक्षित और अशोक सिंघल जी वहां मौजूद थे, शिलान्यास। फिर ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे या उभय पक्ष जो तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, हमने उसका स्वागत किया। फिर निमंत्रण पत्र स्वीकार करने की आवश्यकता कहां से आ गई, किसके दबाव और प्रभाव में आ गई। मैंने वो सारे दस्तावेज भेजे आगे कि मैं साक्षी रहा हूं। जब चित्रकूट में संत सम्मेलन हुआ, मैं विस्तार से नहीं जानना चाहूंगा, अगली मीटिंग करूंगा। अभी दस्तावेज आप देखना चाहें इसके बाद मैं दिखा दूं, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी कृपा पूर्वक रुके हैं, इनको जाना है। बहुत बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री जी और शर्मा जी का है, इन्हें कट नहीं जाना। मैंने कहा कि ये सब की आवश्यकता क्यों है, हमारा देश धार्मिक प्रदेश देश, तो जो राजनीतिक निर्णय हो रहे थे, जो धार्मिक निर्णय हो रहे थे, वो उद्वेलित करने वाले हो रहे थे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके प्रीत न राम विदही तजिए ताई कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दो, मैं सनातन धर्मी। चौपाई को संशोधित कर दो, जाके पी न राम बैठे ही ताको वोट कदापि न दे। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ लेकिन संकेत में बोलता हूँ, राग के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे। राग के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए, मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं अभी भी मैं भगे शब्द के यहां आया हूं। मेरे को कोई पद लिप्सा नहीं है, और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं है, बहुत मिल गए। एक चाहत हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हमें गर्व है हुआ उनके कार्यकाल पर, उनकी उपलब्धियों पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा, ये समय नहीं। लेकिन कुछ तो बात है कि जनादेश उनके पक्ष में हो रहा है, हुई है वही जो राम वही हो। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक सर झुका के आप सबका सम्मान करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे इन साथियों को ऊर्जा प्रदान की। और हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि जिस पहले वाक्य से मैंने बात की थी कि मेरा लक्ष्य था राजनीति में प्रवेश का, कि मैं देश सेवा करूं, अब
राष्ट्र सेवा की भी बात है और भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पित सेवा की भी बात। इन शब्दों के साथ मैं आप सब, खास तौर से जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्रारंभ से मुझे सहयोग मिला है। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। देश मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। संजय पाटिल जी से निवेदन है कि धन्यवाद हमारे शीर्ष नेतृत्व और आगंतुक प्रतिनिधियों का आभार। आज एक राष्ट्रीय स्तर का झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है और एक राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का हमारी भारतीय सपा में प्रवेश हुआ है। ऐसे अवसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य विष्णुदत्त शर्मा जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अध्यक्ष सदैव हमारे उपाध्यक्ष का संरक्षण रहा है। कांग्रेस में भी जब मैं था तो इन्हीं के साथ मैं महामंत्री था, तो मेरे सदस्य थे आदरणीय सुरेश कचहरी जी का मैं हाथी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय सुरेश कचहरी जी के साथ आए राहुल कुमार जी, हमारे सुंदर शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, गुरु विशाल जी, अतुल हमारे बचपन के मित्र, सभी साथीवाल आदरणीय आलोक चंदोरिया जी, सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी मीडिया के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर से सभी कांग्रेस अध्यक्षों का अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं चाहे पे बात कर लूंगा, यहाँ भी रुक सकते हैं, चाय पे भी रुक सकते हैं। आप मीडिया के मित्रों के साथ चाय भैया बहुत बढ़िया है, आप यही बात कर लेंगे, वैसे भी यही बैठ के बातचीत कर लेंगे। बैठिए आप, निकल जाओ ना, पैसे मैं आ रहा हूँ लाइव है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भोपाल में अभी संपन्न हुई है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े चेहरों का भारतीय जनता पार्टी में आना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है।